अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ में ही घंटी के निशान को दबाएं। दोस्तों, आपने बड़े बूढ़ों को ये कहते सुना होगा कि जिस घर में नमक बंधा हो वहां बरकत रहती है। लक्ष्मी को कमल पर आसीन माना गया है, हल्दी की गांठों में साक्षात गणेश का रूप माना गया है, और धनिया को इसलिए इस राम से पुकारा जाता है क्योंकि वो धन का आवाह करता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपको चौंका देंगी। दोस्तों, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि जिस घर में नमक, खड़ा धनिया, हल्दी की गांठें और कमल गट्टों को भले ही कम मात्रा में ही सही, लेकिन कुछ मात्रा में संजो कर रखा जाए तो निश्चित तौर पर उस घर में बरकत होती है, वहां शांति बनी रहती है। दोस्तों, साबुत नमक को पर्याप्त मात्रा में ईशान कोण यानी के उत्तर पूर्वी दिशा में रखने से आपके घर के वास्तु दोष खत्म होते हैं। अगर आपके घर के शौचालय में वास्तु दोष है तो शौचालय में कांच के बर्तन में थोड़ा सा साबुत नमक डालकर यानी के डली वाला नमक डालकर के आप रखते हैं, इससे आपके शौचालय के वास्तु दोष भी कम होंगे। हमारी संस्कृति में नमक एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वास्तु शास्त्र और हमारे पूर्वज भी यही मानते हैं कि जिस घर में नमक नहीं वहां बरकत या लक्ष्मी का स्थान नहीं होता। दोस्तों, वास्तु के नियम अनुसार भी नमक एक खाने का पदार्थ ही नहीं बल्कि मानव शरीर के लिए जितना अनिवार्य है उतना ही हमारे घर के लिए भी महत्व रखता है। नमक कम या ज्यादा हो तो बड़े से बड़ा भोज भी स्वादहीन बन जाता है। नमक के बिना ये मानव शरीर अधूरा है तो घर की बरकत इसके बिना कैसे बनेगी। दोस्तों, नमक ही नहीं बल्कि हल्दी, धनिया और कमल गट्टे के साथ नमक क्या चमत्कार कर सकता है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। हमारे महापुरुषों और पूर्वजों का कहना था कि जिस घर में नमक बंधा है यानी कि खड़ा नमक है वहां बरकत भी खड़ी है। क्या आपको मालूम है कि भारतवर्ष के कई राज्यों में अब भी ये परंपरा है कि अपनी बेटी की शादी के समय विदाई करते समय बेटी को चाहे और कुछ भी दिया जाए या ना दिया जाए लेकिन नमक साबुत या थैली वाला अवश्य दिया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर आप बेटी की विदाई में उसे नमक दे रहे हैं तो इसका मतलब आप उसे जीवन भर की खुशी और सुख दे रहे हैं और उसके घर में हमेशा बरकत बनी रहे, ये दुआएं दे रहे हैं। दोस्तों, ये तो थी बातें नमक के व्यवहार को लेकर के, लेकिन आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है घर के वास्तु के बारे में। नमक के बाद हल्दी कितनी शुभ मानी जाती है ये सबको पता है। दोस्तों, हल्दी के गुणों के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है। हल्दी एक एंटीसेप्टिक दवा के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है बहुत पुराने समय से। आपने देखा होगा कहीं चोट पेट लग जाती है तो उस पर हल्दी ही लगाया जाता है। वो इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि एक एंटीसेप्टिक का काम करती है और इससे इन्फेक्शन नहीं होता है। साथ ही हल्दी का पूजा में इतना महत्व होता है कि उसे हमेशा पूजा सामग्री के साथ इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी का तिलक भी लगाया जाता है, उसका यही कारण है कि हल्दी बहुत ही शुद्ध मानी जाती है। दोस्तों, हल्दी की गांठें साक्षात गणपति का स्वरूप मानी जाती है। माँ लक्ष्मी का आसन कमल है और ऐसी मान्यता है कि कमल गट्टे के जरिए माँ लक्ष्मी को आवाहन दिया जाता है कि वो आपके घर में वास करे। कहावत है कि धनिया धन को आकर्षित करने वाला होता है। आयुर्वेद में भी अनेक रोगों का नाश करने वाले इस धनिये के बारे में बताया गया है। इसलिए वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर में नमक, कमलगट्टा, हल्दी यानी कि साबुत हल्दी की गांठ, साबुत धनिया, ये चार वस्तुएं हमें चार प्रकार के सुख, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करती हैं। जहां ये चार पदार्थ होंगे वहां शांति बनी रहेगी। धन, पुत्र, भूमि आदि सभी सुख उस घर में स्थायी रूप से निवास करते हैं। इन चार वस्तुओं को हम अपने घरों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में नमक साबुत, धनिया और हल्दी की कम से कम 4-5 गांठ और कमल गट्टे की कम से कम 11 नग होने चाहिए। अच्छी तरह से साफ करके छोटी छोटी पॉलिथीन में अलग अलग डालकर बंद करके किसी बड़ी पॉलिथीन में डाल दें आप इन्हें एक साथ, यानी कि आप इन चार चीजों को पहले अलग अलग छोटी छोटी पॉलिथीन में डाल लें और उसके बाद इन चारों पॉलिथीन को
एक बड़े पॉलिथिन में अपने घर के ईशान कोण में किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। इसे केवल पूर्णिमा के दिन ही करना है। ध्यान रहे दोस्तों, आप आगे पीछे इसे करेंगे तो आपको इसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा, आपको ये केवल पूर्णिमा के दिन ही करना होगा। आप इन्हें अपने घर में पूर्णिमा के दिन ईशान दिशा में रखें, उसके बाद आप इन्हें 4 या 6 महीने बाद चेक कर लें। अगर कोई वस्तु खराब होने लगे तो उसे जल में प्रवाहित कर दीजिए और उसकी जगह पर नई वस्तु ला करके रखें। यानी कि जैसे आपने 4 चीज़ें रखी हैं, उसमें से कोई भी एक वस्तु अगर खराब होने लगी है तो आप उसे रिप्लेस कर लें, यानी कि जो खराब हो रही है उसे आप जल में प्रवाहित कर दीजिए और उसकी जगह नई ले आइए। उदाहरण के तौर पर अगर आपने हल्दी की गांठ जैसे रखी थी इसमें और वो खराब होने लगी है, तो आप हल्दी की गांठ को पानी में प्रवाहित करा दीजिए और नई हल्दी की गांठ ला करके उसकी जगह रख दीजिए। दोस्तों, माना जाता है कि ऐसा करने से घर में माता लक्ष्मी का निवास बन जाता है, बरकत कभी भी खत्म नहीं होगी, रोग शत्रु आदि कोसों दूर ही रहेंगे। वास्तु का ये अद्भुत प्रयोग करें और अपने घर में स्थायी सुख का स्थान सुरक्षित कर लें। दोस्तों, अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ है, कोई महत्वपूर्ण कार्य है और उसमें किसी प्रकार की बाधा आ रही है, वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो आप ये प्रयोग कीजिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। गणेश चतुर्थी को या किसी शुभ मुहूर्त में गणेश जी का ऐसा चित्र घर या दुकान पर लाएं जिसमें उनकी सूंड दाई और मुड़ी हुई हो। इसकी आराधना करें। इसके आगे लौंग और सुपारी रखें। जब भी कहीं काम पर जाना हो तो एक लौंग और सुपारी को साथ लेकर के जाएं तो काम सिद्ध होगा। लौंग को चूसें और सुपारी को वापस ला करके गणेश जी के आगे रख दें। दोस्तों, अगर आपकी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, तो आप ये उपाय कीजिए। आपको करना ये है कि मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में जाएं, वहाँ सिंदूर लगे हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर लेकर माता सीता के चरणों में लगाएं और माता सीता को अपनी कामना बताएं। यानी कि आपकी जो भी इच्छा है, जो इसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, वो आप माता सीता को बताएं और श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके घर वापस लौट आएं। इस प्रकार कुछ दिन लगातार करते रहें, लेकिन आपको शुरुआत ये मंगलवार के दिन से करनी है। आपकी सभी बाधाएं समाप्त होंगी और आपकी जो भी इच्छा है वो जल्द ही पूरी हो जाएगी। अक्सर सुनने में आता है कि घर में कमाई तो बहुत होती है लेकिन पैसा टिकता नहीं है, तो आप ये प्रयोग कीजिए। जब आटा पिसवाने जाते हैं तो उसमें पहले थोड़े से गेहूं में 11 पत्ते तुलसी और 2 दाने केसर के डालकर मिला लें। अब इसे बाकी गेहूं में मिलाकर पिसवा लें। ये क्रिया सोमवार और शनिवार को करें, फिर घर में धन की कमी नहीं रहेगी। आटा पिसवाते समय उसमें 100 ग्राम काले चने भी पिसने के लिए डाल दें और केवल शनिवार को ही आटा पिसवाने का नियम बना लें। शनिवार को खाने में किसी भी रूप में काला चना अवश्य लें। ऐसा करने से घर में कलेश नहीं होते। दोस्तों, रात को सोने से पहले पैरों को ठंडे पानी से धो लेना चाहिए, लेकिन गीले पैर नहीं सोना चाहिए, इससे धन का नुकसान होता है। रात्रि में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से माँ लक्ष्मी का निरादर होता है, इसलिए समृद्धि चाहने वाले लोगों को और जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हो, उन्हें इनका सेवन रात को भोजन के समय नहीं करना चाहिए। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करना चाहिए, इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय ना पिए। झूठे हाथों से या पैरों से कभी भी गाय, ब्राह्मण और अग्नि का स्पर्श ना करें। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना अशुभ होता है। अपने घर में पवित्र नदियों का जल आपको इकट्ठा करके रखना चाहिए। इसे घर के ईशान कोण में रखने से अधिक लाभ होता है। किसी कार्य की सिद्धि के लिए जाते समय घर से निकलने से पहले अपने हाथ में रोटी ले लें। मार्ग में जहां भी कौवा दिखाई दे, वहां उसे रोटी के टुकड़े डाल दें और आगे बढ़ जाएं। दोस्तों, अगर आपको रास्ते में कौवा ना मिले तो आप ये रोटी गाय को भी खिला सकते हैं, लेकिन अगर कौवे को खिलाएंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा, इससे आपकी सफलता के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी मिल सके और आप और हम इसी तरह जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। जय भोलेनाथ।